हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे पास है एक फेस एंड उस फेस में है दो आंखें। तो अब जो आंखें हमें मिली है उससे हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तो वो सब कुछ जो हमारे आसपास है, और हमारे आसपास जो सारी चीज़ें हैं वो सारी बनी है मैटर की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो सब प्योर मैटर है? सुबह उठकर हम सब जो मिल्क पीते हैं ना, वो जैसे हम देख सकते हैं कि सिर्फ मिल्क है, मतलब कि वो प्योर है हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए वो प्योर है, लेकिन जो साइंटिस्ट है उनको वो सिर्फ मिल्क नहीं दिखता, बल्कि वाटर, फैट एंड प्रोटीन का मिक्सचर दिखता है। तो जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि हमारे आसपास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगती है कि प्योर मैटर की बनी हुई है, लेकिन वो रियलिटी में प्योर मैटर नहीं है। तो प्योर मैटर किसे कहते हैं? शुगर जो हमारे घर में है ना, वो प्योर मैटर है, क्योंकि उसके अंदर सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। इवन उन पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है? एक जैसा है। और जो सोडा वाटर हम सब पीते हैं ना, वो प्योर है? नहीं, वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर इवन गैस का मिक्सचर होता है। जिस सब्सटेंस में सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो, उसे प्योर मैटर सब्सटेंस कहते हैं। अब जो मैटर हमारे आसपास है, जो रियलिटी में प्योर नहीं है, बल्कि वो एक से ज़्यादा प्योर मैटर का मिक्सचर है, जिसे सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर के तीन टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन, सेकंड टाइप है सस्पेंशन एंड थर्ड टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन। आप ये एक बात अच्छे से समझो कि शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाती है एंड हमें स्वीट वाटर मिलता है। अब यहाँ पे जो स्वीट वाटर मिला, उसको आप एक सिस्टम समझो। अब इस सिस्टम में, यानी स्वीट वाटर में, जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। दोनों को आपस में मिलाकर हमें जो सिस्टम मिलेगा उसे कहते हैं सॉल्यूशन। इन शॉर्ट, सिस्टम में जो मैटर लेस क्वांटिटी में हो उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसा कि स्वीट वाटर में हमने शुगर डाली, और शुगर क्या है? वाटर से कम है। एंड सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। जैसा हमने स्वीट वाटर में पानी कितना शुगर से ज़्यादा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब एक बात ये समझो कि जो सॉल्यूशन है ना, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लिक्विड से ही होते हैं, सॉलिड एंड गैस में भी सॉल्यूशन होता है। जैसे कि एयर है, वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, मतलब वो सॉल्यूशन है। ऐसे ही जो सॉलिड में ब्रास होता है, वो जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर है, जिसमें जिंक है वो कम है और कॉपर है वो क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो जिंक क्या हुआ? सॉल्वेंट नहीं, जिंक हुआ सॉल्यूट एंड कॉपर है सॉल्वेंट। होप सो आप समझ गए होंगे। और अब समझते हैं कि मिक्सचर के जो तीन टाइप्स है वो क्या है, कैसे और क्यों है। हम उन तीनों को क्या करते हैं, पॉइंट्स में इजीली समझते हैं। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर जो मिक्सचर होते हैं सबके टाइप्स लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। अब जो सॉल्यूशन है ना, वो होमोजेनस सिस्टम है। जो सस्पेंशन एंड कोलाइडल है, वो क्या है? हेटेरोजेनस सिस्टम है। उसके एग्जाम्पल भी है कि सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है लेमोनेड यानी कि लिम्बू पानी, फिर सोडा वाटर, फिर सस्पेंशन का कॉपर सल्फेट एंड पानी का मिक्सचर। इवन कोलाइडल का जो एग्जाम्पल है वो है चॉक पाउडर या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक इन द वाटर। फिर सॉल्यूशन है ना, उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है इन होल सॉल्वेंट। मतलब कि जो नींबू पानी बनाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में हमें अच्छा लगेगा और लास्ट में वो बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में नींबू का टेस्ट आएगा, लास्ट में नींबू का टेस्ट नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। नींबू पानी यानी कि जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर जितने भी सॉल्यूट डालोगे वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जितना वो स्टार्टिंग में उतना ही वो क्या होगा, लास्ट में भी रहेगा। अब जो सस्पेंशन है, उसके पार्टिकल्स वो पूरे सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। उसके पार्टिकल्स कुछ जगह पे होंगे, कुछ जगह पे नहीं होंगे। जो कोलाइडल है, उसमें क्या है कि वो सॉल्यूशन की तरह उसके पार्टिकल्स पूरे के पूरे सॉल्वेंट में क्या होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जितना ऊपर है उतना ही नीचे, और इतना ही बीच में भी होगा। मतलब कि सॉल्यूशन में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सस्पेंशन में ऐसा नहीं है, और कोलाइडल में भी क्या होगा, इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले ये बात समझ लो कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो जब हम एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो हमें ऐसे सनलाइट दिखती है, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट, जिसमें हम सनलाइट के आने का एक्चुअल वे देख सकते हैं।
ऐसा होने का रीज़न ये है कि सराउंडिंग में जो एयर है उसमें जो टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो कोलाइडर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है या फिर मिलता है, आई डोंट नो उसका जेंडर क्या है। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज। तो जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर है, जबकि सस्पेंशन एंड कोलाइडर वो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अब जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, साथ ही साथ वो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पार्टिकल्स छोटे हैं। जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, और पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जो कोलाइडर है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके पार्टिकल्स इतने बड़े ज़रूर है कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर सके। अब जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो सस्पेंशन है उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। जो कोलाइडल है उसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक काम में नहीं आती, उसको सेपरेट करने के लिए हम दूसरी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब वो टेक्निक क्या है वो हम आगे जाके अच्छे से समझेंगे। अब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक टर्म होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब यह कॉन्सेंट्रेशन ये है कि अगर हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर हम सॉल्यूट को कम डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। जैसे आप पीक में देख सकते हो कि अगर हम थोड़ा कम कलर डालेंगे तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो भी कम कलरफुल होगा, मतलब कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा कलरफुल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है उसकी एक होती है लिमिट, कि वो उससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, मतलब कि जब भी हमें ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसके अंदर हम ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का रेट भी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब कि अगर हम पहले 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते थे, अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम 100 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर पाएंगे, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पा सकेंगे। बस ये कुछ टर्म्स है जो आपको अभी याद रखने हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि सॉल्यूशन वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर है। अब कितनी ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट कर सके, वो कौन सी टेक्निक है आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली टेक्निक है इवेपोरेशन टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से हम इंक में से वाटर एंड डाई को सेपरेट कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए हम एक बीकर में पानी भरेंगे एंड उस बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रखेंगे, एंड वॉच ग्लास के अंदर हम रखेंगे इंक। बीकर के अंदर जो पानी है हम उसको बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, उसको बॉयल करेंगे तो उसके अंदर से निकलेगी वेपर, वो वेपर होगी गर्म। अब जो गर्म वेपर है वो ऊपर जाएगी, ऊपर कहाँ जाएगी? वॉच ग्लास के पास। गर्म वेपर वॉच ग्लास के पास जाएगी तो जो वॉच ग्लास है वो भी क्या होगा? गर्म होगा। अब जब वो गर्म होगा तो उसके अंदर रखी हुई इंक भी क्या होगी? गर्म होगी। और जैसा कि हम जानते हैं इंक क्या है? लिक्विड है। जब वो गर्म होने लगेगा तो वो उसके अंदर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होंगे? गर्म होने लगेंगे। अब इंक के अंदर क्या है? डाई है, और दूसरा क्या है? वाटर है। वाटर जब गर्म होगा तो वो क्या होने लगेगा? इवेपोरेट होने लगेगा, और जो उसके अंदर रहेगी डाई वो इवेपोरेट नहीं हो सकती। अब जब हम देखें कि इंक में से इवेपोरेशन होना बंद हो गया तो हमें क्या करना होगा? वॉच ग्लास को ऊपर से हटा लेना होगा। जब हटा देंगे तो हमें अंदर क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डाई, मतलब कि जो सॉल्यूट है वो मिलेगा, जो सॉल्वेंट जो वाटर था वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। अब ऐसी टेक्निक की मदद से हम इंक का क्या कर सकते हैं? सेपरेशन कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है तो आप जैसे पिक में देख सकते हो कि पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर अच्छी तरह से क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन जब हम उसको जोर जोर से घुमाएंगे, मतलब अपनी जगह पे क्या करेंगे? स्पिन करेंगे, तो फिर लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कि जो सॉल्यूट है वो नीचे जमा हो जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो ऊपर अलग से मिलेगा। ये टेक्निक मेनली ऐसे काम करती है कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है उनके डेंसिटी अलग होती है। जब हम जोर से घुमाएंगे तो जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो दूर चले जाएंगे, और जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी वो सेंटर में ही रह जाएंगे। इस तरह ये काम करता है।
इस टेक्निक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तीसरी टेक्निक है जिसका मेनली यूज़ अमेसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए होता है, जैसे कि केरोसिन एंड वाटर का मिक्सचर। बेसिकली वो दोनों कभी मिक्स हो नहीं सकते, लेकिन अगर वो गलती से एक दूसरे में मिल जाए तो अगर उन दोनों को सेपरेट करना हो तो इस टेक्निक का यूज़ हो सकता है, जिसमें मेनली एक सेपरेटिंग फ्यूनल होती है जिसके अंदर केरोसिन एंड वाटर को रख दिया जाए। थोड़ी देर उसको रख देंगे तो केरोसिन ऊपर रहेगा और वाटर नीचे आ जाएगा। ऐसा होने का मेन रीज़न क्या है कि केरोसिन की जो डेंसिटी है वो कम है, जिसकी वजह से ऊपर चला जाएगा वाटर नीचे आ जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर अलग करना है तो नीचे से हमें स्टॉप कॉक जो है उसे ओपन करना पड़ेगा। जब हम उसको ओपन करेंगे तो वाटर नीचे धीरे धीरे आने लगेगा। जब वाटर खत्म हो जाए तो स्टॉप कॉक को क्या करना है, बंद कर देना। बंद कर देंगे तो अब जो सेपरेटिंग फ्यूनल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केरोसिन बचेगा और पानी क्या हो जाएगा, हमने निकाल लिया है। मतलब कि इस तरह से दोनों ही लिक्विड क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। अब हम चौथी टेक्निक समझते हैं जिसके अंदर मेनली सब्लिमेशन वर्क करता है। इसके लिए हम अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट का मिक्सचर लेंगे एंड उसको चाइनीज डिश के अंदर रख देंगे एंड उसके ऊपर फ्यूनल को उल्टा रख देंगे एंड जो उसका ओपन साइड है उसके ऊपर कॉटन प्लग रख देंगे जिसकी मदद से वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अब जब हम उस मिक्सचर को गर्म करेंगे तो जो मिक्सचर के अंदर अमोनियम क्लोराइड है उसका सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन मतलब कि वो सीधा सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट होगा और वो जो गैस ऊपर जाएगी तो ऊपर तो क्या है, रास्ता बंद है, जिसकी वजह से वो ऊपर क्या होगी, जमा होगी एंड उस गैस का वापस से क्या सॉलिड में कन्वर्शन हो जाएगा, जिसकी मदद से हमें ऊपर सॉलिफाइड अमोनियम क्लोराइड मिलता है और नीचे सॉल्ट अलग से मिल जाता है। ऐसे दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब हम फिफ्थ टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इस टेक्निक का बेसिकली यूज़ कलर को सेपरेट करने के लिए होता है। इसके लिए हम फिल्टर पेपर लेंगे एंड उसको अबाउट 3 सेंटीमीटर पे एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उसके सेंटर में इंक डालेंगे। अब हम बीकर के अंदर थोड़ा पानी भरेंगे एंड उस बीकर के अंदर इस फिल्टर पेपर को रख देना है। कितना रखना है कि जो वो इंक है ना वो पानी के अंदर जानी ही नहीं चाहिए, पानी से थोड़ा उसको ऊपर रखना है। अब जब हम थोड़ी देर के बाद आकर देखेंगे तो जो फिल्टर पेपर है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और वो पानी फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ने लगेगा। अब जब ऊपर चढ़ेगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात होगी इंक से, मतलब कि डाई से। अब वो डाई है सॉल्यूट, वो पानी में हो जाएगी डिजॉल्व और वो भी पानी के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगेगी। अब जो डाई है उसके अंदर चाहे कितने भी कलर हो, उन कलर में जिन कलर की पानी के अंदर डिजॉल्व होने का रेट ज़्यादा है, जो कलर ज़्यादा डिजॉल्व होता है वो पानी के साथ साथ जल्दी ऊपर चढ़ेगा और जो कलर पानी में कम डिजॉल्व होता है, धीरे से डिजॉल्व होता है, वो कलर पानी के साथ साथ धीमे धीमे ऊपर चढ़ने लगेगा। ऐसा करके हम कलर को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम अगली टेक्निक देखेंगे जिसका नाम है डिस्टिलेशन टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से हम मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम वाटर और एसीटोन का मिक्सचर लेते हैं और उसे बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये एक बात याद रखो कि जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 सेल्सियस एंड जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस। तो अब जब हम इस मिक्सचर को गर्म करेंगे तो मिक्सचर जब 56 सेल्सियस पर पहुंचेगा तो जो एसीटोन है वो सारा का सारा मिक्सचर में से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। और इवोपरेट होने के बाद वो कहां जाएगा, तो वो जाएगा वाटर कंडेंसर के अंदर और वाटर कंडेंसर में ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और हमें बीकर के अंदर अलग से एसीटोन मिल जाएगा। और जो हमें पहले हमने कहा जो मिक्सचर था उसके अंदर हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वाटर। ऐसा कर हम क्या है, दो मिसेबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं ना तो जो भी लिक्विड्स मिक्सचर के अंदर है उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। इतना डिफरेंस होगा तो वो अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, सेपरेट और अच्छी तरह से ये टेक्निक काम करेगी। अब जब हम इस टेक्निक को बहुत बड़े स्केल पर यूज़ करते हैं ना तो देखो उसकी जो पूरी अरेंजमेंट है उसके अंदर ये एक चीज़ ज़्यादा होती है, क्या होती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस कॉलम में क्या होता है, ग्लास बॉल भरे होते हैं। वो ग्लास बॉल होने का रीज़न क्या है कि जब भी कोई एक लिक्विड इवोपरेट होकर एयर बनकर जब इस कॉलम में आएगा तो वो ग्लास जो ग्लास बॉल है उसके सरफेस के साथ क्या होगा, टच में आएगा और टच में आने की वजह से वो जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और बस उसको लिक्विड को जल्दी से ठंडा करने के लिए इस कॉलम का यूज़ होता है।
अब हम अगले टेक्निक के बारे में समझते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो एयर है उसके अंदर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके लिए हम एयर को हाईली कंप्रेस करके उसका जो टेम्परेचर है उसको डिक्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम जो इस एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाने देंगे। अब इस कॉलम में अलग अलग लेंथ पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, मतलब कि जिस एयर का टेम्परेचर पहले आएगा वो जल्दी से बॉयल होकर अलग हो जाएगी। जैसे हम नीचे देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है -183, फिर -186 एंड फिर -196। मतलब कि जो लिक्विड एयर हम जाने देंगे उसमें सबसे पहले क्या आएगा, -196 आएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पहले अलग होगा, फिर आर्गन सेपरेट होगा, और फिर उस एयर में से लास्ट में क्या सेपरेट होगा, ऑक्सीजन सेपरेट होगा। इस पूरी प्रोसेस की ड्राइंग आपकी आंखों के सामने अभी है, आप देख लीजिए, इजीली समझ जाओगे कि सबसे पहले जो एयर है ना उसको हाईली कंप्रेस करके उसे आगे जाने देते हैं, फिर उसे ठंडा होने देते हैं। जब वो ठंडा होगा तो सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ ड्राई आइस मिलेगा। अब आगे जाके जब वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी सारी हवा, तो हमें उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेज देना है। जब वो वहाँ जाएगी, मतलब कि वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिर आर्गन क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, एंड लिक्विड ऑक्सीजन हमें क्या करेंगे, अलग से लिक्विफाइड मिलेगा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन और आर्गन निकले हैं वो लिक्विड नहीं है, वो क्या है, गैस फॉर्म में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर आके टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। अब हम अगली टेक्निक समझते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टलेशन टेक्निक। इसको समझने के लिए हम एक चाइना डिश के अंदर थोड़ा इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे। अब हम उसे जितना हो सके उतना कम पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। अब जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी उसके अंदर से निकल जाएगी। अब जो सॉल्यूशन बचा है उसके अंदर से हमें पानी को इवोपरेट कर देना है। इवोपरेट करने की वजह से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमें फिल्टर पेपर से कवर कर देना है और रूम टेम्परेचर पर एक जगह पे रखकर छोड़ देना है एक दिन के लिए। एक दिन होने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट देखने को मिलेंगे। इस टेक्निक को कहते हैं क्रिस्टलेशन टेक्निक। इसी के साथ सारी की सारी टेक्निक्स खत्म हो गई है। अब समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी हम सब जानते हैं। इसी तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, मतलब कि जो पानी है उसका सॉलिड स्टेट होता है आइस एंड लिक्विड स्टेट होता है वाटर। इसी तरह जो गैस स्टेट है वो कौन सा है, वेपर। अब ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि अगर हम बर्फ को और पानी को आग के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, सिंपल है, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पानी डालेंगे तो वो बुझेगी और जो वाटर है उसका सॉलिड स्टेट आइस है उसको अगर आग पे डालेंगे तो आग नहीं बुझेगी। नहीं, दोनों में क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी कि आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टेट में चेंज होना फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से केमिकल चेंज कोई भी होता नहीं है। इसी तरह ऑयल एंड वाटर दोनों क्या है, लिक्विड है, लेकिन ऑयल को अगर आग पे डालेंगे तो आग और ज़्यादा जलने लगेगी, और जो वाटर है उसको आग पे ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो आग के साथ ऑयल जलेगी, जबकि पानी की केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो आग को बुझा देगी। आग के कांटेक्ट में आकर जो कोई भी रिएक्शन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन है, उसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। जैसे कि वुड है वो कार्बन का बना होता है, लेकिन वो जब आग के कांटेक्ट में आएगा तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा, मतलब कि एक न्यू सब्सटेंस बनाएगा। इसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। हाँ, तो पूरे वीडियो में हमने मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, मतलब कि अनप्योर सब्सटेंस के बारे में बात की। अब थोड़ी प्योर सब्सटेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, जो एलिमेंट्स है ना वो है प्योर सब्सटेंस। अब एलिमेंट मतलब कि क्या, जैसे हमारे आसपास होते हैं ना, हाइड्रोजन है, सोडियम है, गोल्ड है, फिर ये जो हवा में ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ये सब एलिमेंट्स है। अब इनको हम डिवाइड करके और छोटा नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही चीज़ है। सिर्फ हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट है। तो एलिमेंट का मतलब क्या है कि जिसको हम और टुकड़े ना कर सके, जिसको और सेपरेट ना कर सके, उसे कहते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के तीन टाइप है, कौन से तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स।
अब मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंस है हम क्लियरली देख सकते हैं कौन सा है। तो जो मेटल एंड नॉन मेटल है, सबसे पहले उसके एग्जाम्पल देख लो, हम इजीली समझ सकेंगे कि जो मेटल है उसके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम, जबकि नॉन मेटल के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली नॉन मेटल में सबके सब गैस है एंड मेटल के अंदर सबके सब सॉलिड है। अब सॉलिड है तो सॉलिड क्या होगा, चमकेगा। तो मेटल की पहली कैरेक्टरिस्टिक कि वो शाइन मारती है, जो नॉन मेटल है वो शाइन नहीं कर सकता। अब जो मेटल है उसके कलर सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो जैसे होते हैं, जबकि नॉन मेटल ज़्यादा कलर के अंदर अवेलेबल होता है। जो मेटल है उसको बेसिकली हम उससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही कम रेट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करता है। जो मेटल है हम उसको खींच के वायर बना सकते हैं, हैमर से मार मार के उसको शीट बना सकते हैं, और तो और जब उनको मारेंगे तो उसके अंदर से आवाज आएगी। जबकि नॉन मेटल है ना ही हम उनको खींच सकते हैं, ना ही टीप सकते हैं, और ना ही उनको मार सकते हैं। तो ये दो क्या है, डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। अब थर्ड टाइप जो है वो क्या है, वो है इन दोनों के बीच की चीज़ जिसका नाम है मेटलॉइड्स, जो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है। वो इन दोनों के जैसे ही आधे आधे क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल है। तो ये तो हुई एक प्योर सब्सटेंस जिसका नाम है एलिमेंट। दूसरा एक प्योर सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब के दो एलिमेंट्स को मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड। जैसे होता है CO2, वो क्या है, एक कंपाउंड है। वो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि CO2 के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। जब कार्बन एंड ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें देखने को मिलता है CO2 गैस, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये भी क्या, एक प्योर सब्सटेंस है। और जो नया हमें सब्सटेंस मिलेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों एलिमेंट से, जो पुराने एलिमेंट जिसमें से वो बना है उसमें से क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब कि बिल्कुल न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल नया नया सब्सटेंस जन्म लेगा। अब ये कंपाउंड शायद आपको लगता है जो पुराने मिक्सचर हमने देखे सॉल्यूशन के उसकी तरह, लेकिन नहीं, सॉल्यूशन अलग है और कंपाउंड दोनों क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग है, नीचे सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो कि जो मिक्सचर है ना उसके अंदर एलिमेंट्स सिर्फ आपस में मिक्स हुए हैं मिक्सचर बनाने के लिए, लेकिन जो कंपाउंड है ना उसके अंदर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक न्यू कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। अब जो मिक्सचर है उसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसके अंदर फिक्स कंपोजिशन देखने को मिलता है। क्यों फिक्स, क्योंकि वो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। अब जो मिक्सचर है वो हमें पुराने जो एलिमेंट जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज जिसमें से वो बना है उससे बिल्कुल अलग होती है। मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज दिखाता है। जो मिक्सचर है ना हम उसको इजीली फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसको अलग करने के लिए हमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। इसी तरह कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। तो ये है मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच का डिफरेंट। अब इस टेम्पलेट को देखो और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे क्या डिफरेंस होता है सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। तो मैटर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उनको अगर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में हम डिफरेंस करें तो ऐसा होता है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स जैसा कि मैंने कहा कि जिसके और ज़्यादा सेपरेशन ना हो सकता हो, जिसके एग्जांपल है कॉपर है, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। अब जो कंपाउंड्स है वो क्या है, दो एलिमेंट्स को मिलकर बना न्यू सब्सटेंस। जो कंपाउंड है अगर उसको सेपरेट करना हो तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, और उसके जो एग्जाम्पल है वो वाटर है, जैसे H2+O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जैसे मीथेन CH4, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनता है। ऐसे ही सुगर है और सॉल्ट, वो सब क्या है, कंपाउंड है। जो मिक्सचर है उसके दो टाइप है, एक होमोजेनस और दूसरा क्या है, हेटेरोजेनस। होमोजेनस मतलब कि उसके अंदर सारे पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर जगह पर, लेकिन जो हेटेरोजेनस है उसके अंदर पार्टिकल्स कुछ जगह पर होंगे, कुछ जगह पर नहीं होंगे। मतलब कि उसके अंदर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। जो होमोजेनस है उसके एग्जाम्पल है सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब होमोजेनस के एग्जाम्पल है। हेटेरोजेनस के एग्जाम्पल बड़े ही सिंपल है, सैंड एंड सॉल्ट, सुगर एंड सॉल्ट, वुड एंड ब्लड, ये सब क्या है, वुड एंड ब्लड एंड वाटर, सॉरी। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हेटेरोजेनस के, जो इजीली हम पहचान सकते हैं।
इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। टाइपिंग में गलतियाँ होगी मैं मानता हूँ, मगर जो समझाया है मैंने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके कोशिश की आपको समझाने की। समझाने में मतलब कि जो मैंने समझाया वो बिल्कुल भी मुझे पता है कि गलत नहीं है। आपको फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।